आप सभी के बीच में मेरे दिल की बात करना चाहता हूँ। छरी पालते संघ की बात अब बाजू में रखता हूँ, मुझे आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए। कह दो भगवान शंखेश्वर को, आज तक जितनी गलतियां क्षतियां भूल हुई है उसे माफ कर दो। आज से नक्की करता हूं जिंदगी में दारू नहीं पीऊंगा, वाइन का सेवन नहीं करूंगा। मुझे कहने की इच्छा यहां तक होती है, मैं कह देता हूं गुजरातियों से भी ज्यादा पैसा राजस्थानियों में आया, और जितने पैसे बढ़े उतना धर्म बढ़ने की जगह व्यसनों का सेवन बढ़े। एक जमाना था 25 साल पहले जब हमारे यहाँ मैरिज होते थे ना, दो काउंटर लगते थे, एक काउंटर छूटे वालों का और एक काउंटर इकाष्टा डियाष्टा वालों का मैरिज के अंदर। 15 साल पहले वो काउंटर बदल गए। आप काउंटर क्या लगते हैं पता है आपको? 15 साल पहले कौन से काउंटर लगते थे? आप जैन हो तो यहाँ पे जाए, नॉन जैन हो अथवा नॉन जैन खाना है यानी कि जमीन कंद खाना है बटाटा बड़ा, यहाँ पे जैनों के मैरिज में। और उसके सामने मैं आपको बताऊं, नॉन जैन कभी आपको आमंत्रण देता है तो आपको कहेगा कि आप जैन हो ना, मैं आपको जैन डिश दिलवाऊंगा। एक नॉन जैन हमें जैन डिश दिलवाता है अपने मैरिज के अंदर अपने लिए स्पेशल, और हम जैन होकर के नॉन जैन डिश बनवा दें। वाइन देते हैं जैनों अपने मैरिज के अंदर, दारू की पार्टी। और आज मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में अब दो काउंटर अलग बन जाएंगे, या वेज है या नॉन वेज के काउंटर। वो दिन बहुत दूर नहीं है, आज से आप कम हो जाइए। मेरे जीवन में नॉन वेज तो नहीं आएगा, नॉन जैन भी मेरी थाली में कभी नहीं आएगा। सांता क्रूज में एक श्राविका थी, उसका अभिग्रह था महाराष्ट्र के पात्रे में जो विराया जाए वही मेरे पेट में जाएगा, जो महाराष्ट्र के पात्रे में नहीं विराया जाएगा वो मेरे पेट में नहीं जाएगा। है अभिग्रह कोई श्राविका का? अहमदाबाद के अंदर एक जगह पे हम चातुर्मास थे, हमारे एक महाराष्ट्र वेरने को गए, और वेरने के बाद जब वापस आए 10 मिनट में श्राविका होते हमारे से प्रायश्चित। लेकिन क्या हुआ, अभी हमारे घर महाराज साहब पधारे थे और भूल में मेरी बहू ने, मैं समझ गया बटाटा बड़ा गिरा दिया, मैंने देखा नहीं था। क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है, घर में जब केला बड़ा बनता है और बहू की इच्छा होती है मुझे बटाटा बड़ा भी खाना है, बटाटा बड़ा बनाते हैं, सास कहती है बटाटा बड़ा यू रखना, केला बड़ा यू रखना, महाराज साहब आवे केला बड़ा बेराना, और भूल में उसने केला की सब्जी केला बड़ा की जगह बटाटा बड़ा बेरा दिया। अच्छा था वो दौड़ती आई। मुझे कहने दो, आपकी गलतियों से हमारे पात्रे तो बिगड़ चुके हैं, कल हमारा पेट भी बिगड़ जाए तो पता नहीं। हमारी माँ ने हमें ऐसे संस्कार दिए थे, हमने बटाटा चखे तो नहीं, आलू प्याज चखे तो नहीं, इन आंखों से देखे इतने दूर, इतने संस्कार दिए। और आज आपके आजू बाजू में आपका पड़ोस कौन सा है आपको भी पता नहीं है, कोई भी आपके पास रह सकता है। जैनों के बीच यदि आप नहीं रहोगे तो आपके बच्चों में संस्कार क्या आएंगे? हमारे पात्र बिगड़ने लगे, धोने पड़ते 3-3 बार मिट्टी वगैरह। अरे मूल मार्ग तो ये हो जाएगा कि ये पात्रा ही परटना पड़े, जिस पात्रे में जमीन कंदावे उस पात्रा कैंसल हो जाए, स्वभाव में परिवर्तन लाओ। बहुत खाया बहुत खाया, भगवान तेरी पूनम तेरा छरी पलता संग आज से जमीन कंद का त्याग। होती है इच्छा, जिसको जिंदगी भर जमीन कंद का त्याग है वो कम से कम अपने हाथ खड़े कर दे, जिंदगी भर के लिए जमीन कंद का त्याग ही है, वेरी गुड, नीचे रखो। और आज का यह प्रवचन सुन करके यदि इच्छा हो गई कि इतना अच्छा संग किया है आज तक जो खाया उसे भूल जाओ, आज से भगवान आपको मैं प्रॉमिस देता हूं अब इस पेट को गटर नहीं बनाना है, मैं भी त्याग करूंगा। होती है इच्छा, होती है तो आ जाइए मैदान में, खड़े हो जाइए, हाथ खड़े कर दो, वेरी गुड, ये 56 की छाती है, हाथ खड़े कर दो, जोड़ दो। जिंदगी में अब हम दोबारा कभी नहीं चखेंगे नहीं खाएंगे, वेरी गुड,
वाह ये भी खड़े हो गए, बस यही पूरे संघ का मुझे रिजल्ट मिलना। कंबल तो व्यवहार है, इसलिए आपने कमली ओढ़ा दी, मुझे कमली नहीं चाहिए, आपके जीवन के पाप चाहिए। हमारी झोली में आपने पात्रा तो बहुत भरे, आज आपके पाप से हमारी झोली भर दो। भगवान के पास जाकर के हम कह देंगे, भगवान आप इसके ऊपर दृष्टि डालो, जैसे चंड कौशिक ने आपके ऊपर दृष्टि डाली, आप भी दृष्टि डालो, सभी पाप खत्म हो जाए। नक्की करो जिंदगी में, ये मेरा पेट है, म्युनिसिपल की गटर नहीं है, यहां एक बोर्ड लगा दो, दिस इज माई स्टमक नॉट म्युनिसिपल गटर। जो अभी वो अभक्ष जमीन का नॉनवेज कला जाएगा,